ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। आज हम करेंगे कंडासन। ये बहुत ही एडवांस लेवल का आसन है और अष्टांगम में एडवांस फोर्थ सीरीज का आसन है। तो जो योग अच्छे से करते हैं ये उनके लिए है, और जो करना चाहते हैं, शुरू भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हो के नहीं, क्योंकि उसमें सब लिखा रहता है कौन इसको कर सकते हैं कौन नहीं। तो ये एडवांस लेवल का आसन है जो हठ योग के अंदर थोड़ा सा ये माना जाता है कि हठ योग आ जाता है। अब तो जो सच में योग करते हैं और योग करना चाहते हैं या जो डेडिकेटेड हैं योग को, वही लोग इसको ट्राई करें तो अच्छा रहेगा। तो ये है कंडासन, देख लेंगे पहले कि होता कैसा है, उसके बाद फिर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको इम्प्रूव करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका कंडासन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो आपके घुटनों की, एंकल्स की और बैक की जो मसल्स है ना, और जो बोन्स है, उस पर बहुत ज़ोर से असर आने वाला है। तो इतना आसान नहीं है ये। तो जो सोचते हैं कि मुझे करना है वही करें, और जो ऑर्डिनरी योग करते हैं उनको ज़रूरत नहीं भी है। ये सिर्फ योग का एक एडवांस लेवल है जो सिर्फ योग करते हैं उन्हीं के लिए। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको कि इसको आप कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ये और अच्छा बनाया जा सकता है और शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत में हम सबसे पहला समझ लेंगे, आज से हमने सबसे पहला काम ये है कि पहली एक्सरसाइज जो रहेगी, चार एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको, जो उसके करने के बाद आप बड़े आराम से, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होगी। और एक बात बार बार बता दूँ कि इस आसन को जब हम तैयार करेंगे तो घुटनों में काफ़ी अच्छा पेन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप चलने फिरने लायक भी नहीं रहते, मतलब काफ़ी पेन रहता है। तो मतलब ये कि अगर आप इसके लिए पहले दिमाग को पहले बना लें कि इसमें पेन होएगा और काफ़ी पेन होगा पहले जब हम आप करेंगे तो, क्योंकि मसल अच्छे से खिंच जाते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि इतना ट्विस्ट करेंगे तो रप्चर हो जाते हैं मसल। तो उसको कैसे हम उसको ठीक करें वो देख लेंगे। ठीक तरह से धीरे धीरे अगर बढ़ेंगे तो ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, लेकिन पेन ज़रूर होगा, ये याद रखना। तो देखेंगे पहली एक्सरसाइज हमने क्या करनी है। पहले हमने अपने पैर को ज़मीन पर रखना है ऐसे, और आप अपने टो को देख लेंगे कैसे पकड़ लेंगे, और इसकी ना ट्विस्टिंग शुरू करनी। कैसे करना है हमने यहाँ से पहली एक्सरसाइज ट्विस्टिंग। और ये जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये 5 मिनट एक एक एक्सरसाइज को कम से कम करा जाए, जैसे ऐसे होल्ड करके रोक लिया जाए, थोड़ी देर तक बैठा जाए, उसको सीधा रखा जाए। तो कैसे, पहले हमने पैर पकड़ना है और उसको ट्विस्ट करना है। ये काम दोनों पैरों से चलेगा, पहली एक्सरसाइज। तो अच्छा है, क्या करने वाले, हाथ यहाँ रख लेंगे एंकल पे, देन ऊपर उठाया थोड़ा सा और ट्विस्ट करना। तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो जितना ट्विस्टिंग मिलती जाए, धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाएँ, उसको और बढ़ाते जाएँ। कैसे बढ़ाना है, जैसे यहाँ से हमें ट्विस्ट मिला तो हम इसको, और आप देखेंगे एंगल कैसा बन रहा है, अभी तो ये नीचे था, धीरे धीरे इसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे, ऊपर पुश करेंगे, पुश पुश या इस तरीके का पुश मिलेगा। तो पहली हो गई ये, दूसरी, ये चारों एक्सरसाइज रोज करनी है, कम से कम 5-5 मिनट एक एक एक्सरसाइज को करें, बार बार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से करना शुरू करें। देन उसके बाद क्या करने वाले हमने, दूसरी एक चीज़ करनी है, हम इसको ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा सा हाथ यहाँ रखते हुए ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे, हाथ यहाँ रखते हुए ऊपर उठाएंगे, दूसरे पैर से देख लेंगे अच्छे से
क्या करने वाले हैं, ढीला नहीं छोड़ना पैर को, पूरा अंदर तक खींचना है, पैर को पूरा अंदर तक खींचना है, हील हिप के पास या एनस के पास आके लग जाए, इतनी अंदर तक खींचना है पैर, देन ट्विस्ट करते हुए धीरे से ऊपर उठाएंगे। इसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, इसको धीरे धीरे उठाते उठाते हमने चेस्ट के बीच में ले जाना है, इतना उठे कम से कम, इससे ज़्यादा उठ जाए तो बहुत ही अच्छा है अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी, हमने बोलना है, उठाना है और नी को हल्का सा आगे की तरफ, क्या करना है, आगे के सामने की तरफ पुश करना है, इसको यहीं रोक के रखना है और इसको पुश करना है, होल्ड करके रखेंगे। इस तरह से ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज, दिस एंड पुश, ट्विस्ट अप एंड पुश। जब हम पुश करें तो याद रखें कि इस हाथ से इसको प्रेस करके रखें, ऐसा ना हो कि हाथ के साथ साथ ये पैर भी उधर चला जाए, तो हाथ से इसको प्रेस करके रखेंगे, बॉडी के सेंटर से दूसरी तरफ नहीं जाने देना, उधर नहीं जाने दूंगा मैं सो, और पैर को आगे लाने की कोशिश करेंगे, जस्ट रिलैक्स। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये वाली, ये सबसे ज़्यादा काम की इसलिए है कि जब आप मोड़ के पैर को आप आपस में मिलाएंगे तो होने वाला क्या है, ये जब टकराएंगे तो साइड्स में बहुत पेन आएगा, पहले हड्डियाँ चुभेंगी। जैसे आप कोई भी आसन करते हैं, देखा होगा आपने पद्मासन करते हैं तो यहाँ पे लगता है, वज्रासन करते हैं तो ये खींचता है, तो बोन्स जब टकराती हैं ज़मीन से या आपस में टकराती हैं तो थोड़ा सा ना पेन होता है, और थोड़ी थोड़ी हमें क्या करना चाहिए, उस पेन को थोड़ा सा सहन करना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद प्रैक्टिस करते करते वहाँ की हड्डियाँ गोल हो गई हैं, जो शार्पनेस थी वो चुभती थी, वो चुभने वाला काम ख़त्म होने लगा, तो ये होगा समय के साथ। तो क्या करने वाले, तीसरी जो है जो मैं बता रहा था, इंपॉर्टेंस है इसलिए क्योंकि जब हम पैर को मिलाएंगे तो होने वाला क्या है, हमारे पैर खटक से आगे की तरफ, प्रेशर ऐसा होगा कि हम पैर उठा के अंदर लाएंगे, हाथ से जब से छोड़ने लगेंगे तो क्या होने वाला है, हमारे पैर आगे की तरफ गिरेंगे और झटका आ सकता है बड़ी ज़ोर से पैर के ऊपर। तो क्या होने वाला है, उस झटके को ना लेते हुए हम पहले से अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो ये हमने यहाँ से पकड़ा और उसको पुश करने की, जो पैर को पुश करने की, जैसे हमने पैर मिलाया और जो पुश करने की आदत है, यहाँ की मसल्स और नी की मसल और ये हिप की मसल्स यूज़ होने वाली हैं, ये पुश में सहायता देती हैं। जब ये पुश करके रखेंगे हम पैर को ऐसे तो ही रोक पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम पैर मिलाएंगे, अगर हाथ हटाए तो पैर खुल जाएगा, नीचे गिर जाएंगे हमें। तो क्या करने वाले हम ध्यान से देखेंगे, तीसरी एक्सरसाइज ये हुई, और फोर्थ एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, इसी में हम पहले अच्छे से चेस्ट के पास लाएंगे, पहली दूसरी ये करा, और जितना अभी हम सेंटर में रख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसको जितना उस तरफ अपोजिट जिस तरफ जौन सा पैर है उसी साइड पर अभी यहाँ है, इसको पुश करते हुए ऊपर उठाते जाएंगे, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। ये आपकी हो गई फोर्थ एक्सरसाइज। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इन चीज़ों की एक्सरसाइज करेंगे, आराम से करें, समय लगेगा इसमें थोड़ा ज़्यादा, हो सकता है आप फ्लेक्सिबल हो, आप बिल्कुल अच्छे फिटनेस में हो तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अचीव करने के लिए लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो एक्सरसाइज हो जाएंगी, थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आप कैसे करने वाले हैं, पैर को मिलाएंगे, आप सामने की तरफ पैर रखें, ऐसे नमस्कार की स्थिति में पैर की बनाएं और धीरे से अपनी तरफ खींचना शुरू करें पैरों को, और नीज़ को ज़मीन की तरफ, और यहाँ पे देखिए ये पलटेंगे हम पैरों को, ट्विस्ट करा, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो ट्विस्ट के बाद पैर को पोजिशन थी वो आएगी, जब ट्विस्ट हो जाए तो उसके बाद धीरे से नीज़ को ज़मीन पर लगाएंगे, जब ज़मीन पर नीज़ लग जाएंगी अब हमें छोड़ने में घबराहट होने वाली है, क्योंकि छोड़ते ही हमें ऐसा लगेगा पैर आगे जाएंगे, तो लेकिन जब हमने अगर प्रैक्टिस कर रखी है इसको पुश करने की, हिप को ट्विस्ट करके पुश करने की, तो हम जो है इसको रोक पाएंगे। पहले हाथ धीरे धीरे छोड़ें, हाथ को ऐसे रखते हुए, और फिर जब लगे कि अब अच्छा आने लगा है तो पूरा छोड़ सकते हैं। जब ये पोजीशन आएगी तो आपकी कमर ऐसे होने वाली है, सो धीरे धीरे जितने अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे उसके बाद हाथ रखें और बैक को स्ट्रेट करते जाएं, सीधा बैठते जाएं। तो ये हो गया हमारा खंड आसन। ये आसन अगर आपको, ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिन दोस्तों को आपके या आपको करना हो तो उनको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर करने से हो सकता है कि कोई करना चाहता हो और उसको रास्ता ना पता हो।
तो इसको शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।